वक्त के साथ एक अणे मार्ग की खासियत बदलती है। 1990 में लालू राज के शुरू होने के बाद से 2005 तक यहां एक अणे मार्ग में लगभग 200 गायें थी। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के लिए दो दो क्रिकेट पिच थी। यहां आलू और दूसरी फसलें उगाई जाती थी। लेकिन फिर 2005 में नीतीश कुमार का पता हो गया एक अणे मार्ग। 2007 से मुख्यमंत्री निवास का कायाकल्प शुरू किया गया। 160 से ज्यादा सुगंधित और आयुर्वेदिक पौधे यहां लगाए गए। नीतीश कुमार ने अपनी पसंद के हिसाब से मुख्यमंत्री निवास को सजाया और संवारा। लेकिन अब एग्जिट पोल जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसके बाद क्या 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार की यादों का गुलदस्ता बनकर रह जाएगा एक अणे मार्ग? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए सुशासन, टारगेट ऑफ ओपोनेंट्स। पहले यहाँ 15 साल लोग राज करते रहे हैं पहले, और क्या था यहाँ? कोई संस्थान की स्थापना होती थी, मेडिकल कॉलेज का क्या बुरा हाल था? हम लोगों ने 3 मेडिकल कॉलेज पहले स्थापित किया और 8 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है। हम लोगों ने एक एक काम किया, कानून का राज कायम किया, और जान लीजिए पहले जितना क्राइम होता था और अब उसमें कितनी कमी लाई। आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। सुशासन, यही नीतीश की ताकत है, यही नीतीश की पहचान है, यही नीतीश का आधार है और यही नीतीश का विश्वास है। लेकिन पहली बार ये तथाकथित सुशासन न नीतीश के एजेंडे में रहा, न चुनावी मुद्दों के सेंटर में। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री अपने काम से ज्यादा मोदी सरकार के काम गिनाते रहे तो दूसरी तरफ जंगल राज के डर की व्याख्या करते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे नीतीश कुमार 2005 में आकर खड़े हो गए हों। बिहार का हाल पहले क्या था? 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला, 2005 तक मौका मिला, लेकिन क्या प्रगति हुई बिहार की? बिहार में कानून का राज नहीं था, जंगल राज कायम हो गया था। जंगल राज वो दाग है जिसने लालू एंड फैमिली को सत्ता से उखाड़ फेंका। लेकिन इस बार लालू के लाल जंगल राज के मुद्दे को चुनावी एजेंडे से डाइवर्ट करने में सफल रहे। नीतीश के जंगल राज से ज्यादा तेजस्वी ने सुशासन की सबसे कमजोर नस को पकड़ा, उस बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जिससे बिहार का नौजवान आक्रोशित है। तेजस्वी यादव ने नीतीश के जंगल राज वाले डर से ज्यादा बेरोजगारी का मुद्दा उछाला। फिर वही हुआ जिसका अंदाजा था, नीतीश का सुशासन पीछे रह गया, जंगल राज पीछे छूट गया। पहली बार यूं सरेआम नीतीश के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखा। कहीं नारेबाजी हुई, कहीं प्याज फेंके गए, कहीं पत्थर फेंके गए। पहली बार लोगों ने भरी सभा में नीतीश का ये रूप देखा। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। रैली दर रैली नीतीश का विरोध बढ़ता चला गया। ओपिनियन पोल में भी लोगों की यही नाराजगी दिखी। जब लोगों से पूछा गया आप बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं, 15 साल से सुशासन सुशासन करने वाले नीतीश कुमार या कहिए एनडीए को सिर्फ 41% लोगों ने पसंद किया, जबकि आरजेडी के समर्थन में 56% लोग हैं। पोल के संकेत यही हैं कि नीतीश कुमार के सुशासन से लोगों का मोह भंग हो चुका है। 15 वर्षों में लोग नीतीश से कहीं ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। जिस कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश अपने राज को बरकरार रखना चाहते हैं उससे ज्यादा लोग इत्तेफाक नहीं रखते। सिर्फ 12% लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था के क्षेत्र में नीतीश ने अच्छा काम किया। 23% बिहारियों को लगता है कि नीतीश ने बिजली के क्षेत्र में बेहतर काम किया। 10% लोगों को शिक्षक बहाली का काम अच्छा लगा। लड़कियों को साइकिल 19%, जबकि 25% बिहारियों को लगता है कि शराबबंदी सबसे बेहतर काम किया। हर घर में नल का जल योजना को 11% लोगों ने पसंद किया। नौकरी और पंचायत चुनाव में आरक्षण के साथ शराबबंदी और लड़कियों को साइकिल वाली योजना से नीतीश को काफी उम्मीद है।
नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को लगता है कि महिलाएं अब भी नीतीश कुमार के ही साथ हैं। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी और तेजस्वी के चक्रव्यूह के बीच अगर नीतीश कुमार की एक अणे मार्ग पर दावेदारी कायम है तो इसके पीछे यही साइलेंट आर्मी है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।